पर फिर से स्वागत है। पिछले भाग में आपने देखा कि हम लोग टेहरी में रुके थे, वहाँ ब्रेकफास्ट लेने के बाद हम वापस बद्रीनाथ की ओर चल पड़े हैं। टेहरी से बद्रीनाथ की दूरी करीब 271 किलोमीटर है। रास्ता बहुत ही नैरो है, तो आप बने रहिए। मंजिल जितनी दूर है, रास्ते में आने वाले नज़ारे उतने ही मनमोहक। अभी दिन के 2 बज रहे हैं और हमें बहुत तेज़ भूख लगी है। हम सब ने चमोली में रुक के लंच करने का निर्णय लिया है। चमोली में लंच करने के बाद हम वापस अपने सफ़र पर निकल पड़े हैं। जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं, यह बद्रीनाथ धाम के लिए डायरेक्ट बस सेवा है। इसकी बुकिंग आप हरिद्वार या ऋषिकेश से कर सकते हैं। जैसे जैसे हमारा सफ़र आगे बढ़ रहा है, एक से बढ़कर एक कुदरत के अनोखे रूप हमें देखने को मिल रहे हैं। चारों तरफ सीना ताने विशाल काय पहाड़ और उनकी गोद में समाए मनमोहक नदियां और झरने। तो फाइनली हम लोग बद्रीनाथ पहुंच गए हैं और अब बस होटल की तलाश है। कितने बजे खुलती है मंदिर सुबह? मंदिर तो भैया खुल जाता है सुबह 7:30। 7 बजे? वैसे तो 5:30 बजे खुल जाता है, अब सेफ होता है। हाँ। नहीं अभी बोल रहे मंदिर मतलब सिर्फ दर्शन, मतलब बाहर से देख सकते हैं ना भैया? अंदर जाने दे रहे हैं। जहाँ साक्षात भगवान विष्णु वास करते हैं। हिंदू धर्म के 4 धाम बद्रीनाथ, द्वारका, जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम हैं। इन सब में बद्रीनाथ धाम का एक अलग ही महत्व है।
उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में स्थित बद्रीनाथ भगवान विष्णु का निवास स्थान है। बद्रीनाथ मंदिर नर और नारायण पर्वत के बीच घाटी में बहुत ही कुशलता से अवस्थित है, जिसके आगे अलकनंदा नदी बहती है। बद्रीनाथ धाम समुद्र तल से 3100 मीटर की ऊंचाई पर नीलकंठ पर्वत की तलहटी पर बसा है। यह हरिद्वार से करीब 316 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ऐसा माना जाता है कि पहले इस क्षेत्र में बद्री के जंगल थे, इसलिए इस क्षेत्र में स्थित विष्णु के मंदिर को बद्रीनाथ नाम दिया गया। हिंदुओं के आदरणीय संत आदि शंकराचार्य ने इस मंदिर की पुनर्स्थापना 8वीं सदी में एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान के रूप में की थी। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु गुरु शंकराचार्य के सपने में आए थे और उन्हें अलकनंदा नदी से उनकी मूर्ति निकालकर पुनर्स्थापित करने को कहा था। अगले दिन गुरु शंकराचार्य को मूर्ति प्राप्त हुई, जिसे उन्होंने तप्त कुंड के निकट एक गुफा में स्थापित कर दिया। 16वीं सदी में गढ़वाल के राजा ने इस मूर्ति को वर्तमान मंदिर में स्थापित किया। बद्रीनाथ की यात्रा जितनी चमत्कारी है, उतना ही अलौकिक है यहाँ का दिव्य खजाना। यहाँ भगवान शिव से लेकर नर नारायण, विष्णु से लेकर वेद व्यास, भगवान गणेश से लेकर पांडव तक सभी इस पवित्र क्षेत्र में आए और अपने अस्तित्व के निशान को इस क्षेत्र में ऊपर उठाया। मंदिर लगभग 50 फीट ऊंचा है, जिसके शिखर पर एक छोटा सा गुंबद है जो कि सोने की परत से ढका है। मंदिर के मुख्य द्वार बेहद आकर्षक हैं, जिन्हें सिंह द्वार कहा जाता है। सिंह द्वार से अंदर जाते ही आप गर्भगृह में प्रवेश करेंगे। गर्भगृह में नर नारायण, लक्ष्मी, गणेश आदि शंकराचार्य सहित अन्य मूर्ति भी स्थित हैं। मंदिर के ठीक सामने एक तप्त कुंड है। मंदिर की पूजा अर्चना इस तप्त कुंड में स्नान के बाद ही प्रारंभ होती है। तप्त कुंड सल्फर युक्त जल का एक गर्म झरना है, जिनका तापमान सालों भर 45 डिग्री सेल्सियस बना रहता है। खराब मौसम तथा हिमपात के कारण हर साल 6 महीने यह मंदिर बंद रहता है। उन दिनों श्रद्धालु भगवान बद्रीनाथ की प्रतिमा को आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित ज्योतिर्मठ में ले जाते हैं, जो नंदा देवी जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र में स्थित है।
कोई भी मुखी निकल सकता है, ये आपका भाग्य है। ये सिक्के और ये दोनों देख सकते हैं। सूरज ने अच्छी खासी खरीदारी की है यहाँ पे। क्या होता है ना कि ये छोटी छोटी चीजें ना आप किसी को दोगे ना तो उनको खुशी मिलती है इन सब चीजों से। तो आप जब भी है कहीं भी जाए तो कोई छोटी छोटी चीजें जरूर लेके जाए और आसपास के लोगों को दे ताकि उनसे उनको खुशी मिले। जी बिल्कुल। अगर आप बद्रीनाथ आ रहे हैं तो यहाँ पर आप देखें बहुत सारे वेंडर्स लगे हुए हैं, स्टॉल लगे हुए हैं। आप यहाँ से छोटी छोटी सामान खरीदें अपने घर वालों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने भतीजों के लिए,